चैप्टर 11 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर 11 है ऑफकोर्स गैलियन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। जहां पे भी फंडामेंटल आएगा, फंडामेंटल लिखा होगा थ्योरम के सामने, तो इट विल बी वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए, हमेशा ये इम्पोर्टेंट होगा और ऑलवेज आप याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्या कहता है? जैसे हमने देखा यूएन में, जैसे हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा, हमने उसमें देखा था एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में एवरी यूएन, यानी एवरी यूएन, और यूएन क्या होता है, अबेलियन ग्रुप ही होता है, एवरी यूएन कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप या प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। हम उसको साइक्लिक ग्रुप के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते थे। अब यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ये कहता है, कोई भी अबेलियन ग्रुप हो, कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो, उसको हम साइक्लिक ग्रुप के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो पहले स्टेटमेंट देखो, एवरी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर। जहां पे प्राइम पावर्ड ऑर्डर का मतलब होता है सिंगल प्राइम पावर्ड, इट मींस पी टू द पावर एन टाइप का, ऑफ कोर्स वेयर दिस पी इज प्राइम, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर। मोर ओवर हियर द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप्स आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ग्रुप। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ये। पहले तो क्या कहा, एवरी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप जो होता है इट कैन बी रिटन इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यानी ये जो होगा वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप ही होगा, यानी जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है वही होगा, वैसा ही होगा, जो भी अबेलियन ग्रुप होगा वो जेड एन क्रॉस जेड एम टाइप का ही होगा। इट मीन्स ऑफकोर्स जेड एन वन क्रॉस जेड एन टू क्रॉस जेड एन थ्री एंड सो ऑन इस टाइप का ही होगा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे एंड जो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप होगा वो यूनिकली डिटरमाइंड होगा बाय द ग्रुप, ठीक है, वो यानी यूनिक होगा। यानी अगर आपका जी जो है Z4 क्रॉस Z2 है, सपोज आपका Z जो है Z4 क्रॉस Z2 है, अबेलियन है ये, ठीक है, सिंस Z4 इज अबेलियन, Z2 इज अबेलियन, दिस इज अबेलियन, सो Z इज अबेलियन। अगर आपका ये, तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सपोज दिस इज कोई ग्रुप है A एंड यहाँ पे कोई B है, तो इट्स ऑर्डर विल बी 4 एंड इट्स ऑर्डर विल बी 2। ये हमेशा ऑर्डर 4 का साइक्लिक ग्रुप होगा, ये ऑलवेज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 होगा, जो एक्चुअली में जो ऑर्डर होंगे यहाँ पे इट इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय दिस जी, हम इजीली बता सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे प्लस पॉइंट यही है कि हमारा ये प्रूफ नहीं करना है, जस्ट प्रूफ अगर हम करते तो कम से कम हमें 10-12 पेज भरने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है। जब आप एमएससी में जाओगे, अगर एमएससी करोगे तो प्रूफ वहां पे करोगे आप। तो यहाँ पे जस्ट हमें स्टेटमेंट देखना है और इसको समझना है कि ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। ओनली देखो थ्योरम और उसका प्रूफ रट के नहीं होगा, हमें एक्चुअली उसके एप्लीकेशन तक जाना होगा। तो एक्चुअली अगर आप ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है ना, इसको कंप्लीट करना है अच्छे से, तो आपको प्रूफ तो करने ही होंगे, लेकिन स्टेटमेंट फर्दर आगे भी यूज होंगे। तो ऑलवेज अगर आप स्टेटमेंट याद रखते हो चीज़ों के तो बहुत ही हेल्पफुल होंगे इन फ्यूचर, ऑफकोर्स इन द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो जस्ट वी आर गिविंग हियर द एन एग्जाम्पल, सपोज अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 8 का, सपोज वी हैव अ अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, है ना, ऑर्डर 8 का अबेलियन ग्रुप है ना। जब भी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 होगा तो फर्स्ट
वी हैव टू थिंक अबाउट द Z8। तो क्योंकि Z8 जो होता है ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होता है ऑर्डर 8 का, तो हैंस अबेलियन भी होता है। सो सपोज मेरा ये ग्रुप का ऑर्डर है 8 एंड G ये मेरा अबेलियन अबेलियन। तो देखो फंडामेंटल थियरम से मैं जस्ट लिख रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता इसका एल्गोरिदम क्या है, अभी एल्गोरिदम मैं लिखवाऊंगा। तो G जो होगा Z8 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना, G जो है Z8 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है बिकॉज Z8 भी अबेलियन है, या ये Z4 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ठीक है, या ये Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ठीक है, या ये Z2 क्रॉस Z4 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, बट इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है ना, तो हम Z4 क्रॉस Z2 लिख लिए तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ऑर्डर 4 के होंगे उसमें इतने ही होंगे, ऑर्डर 2 के जितने यहाँ होंगे उतने ही यहाँ होंगे, है ना, तो इस टाइप के दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि G1 क्रॉस G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 क्रॉस G1 ऑलवेज, ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर हमने ये लिख चुका है, अगर ये हम लिख चुके हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बोथ आर सेम आइसोमॉर्फिक है ये तो, बट दे ऑल आर नॉन आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, क्योंकि देखो इसमें लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो 8 है, ऑर्डर 8 का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो 4 है, ऑर्डर 4 का एलिमेंट जो है लार्जेस्ट होगा, यहाँ पे ऑर्डर जो होगा 4 लार्जेस्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्डर 2 का जो ऑर्डर 2 जो होगा वो लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा, ऑर्डर 2 सारे एलिमेंट ऑर्डर 2 के होंगे एक्सेप्ट दी आइडेंटिटी, तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आर ऑफ ऑर्डर 2। अब ओनली यही पॉसिबिलिटी है जो हम 8 को लिख पाए, ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम कहता है भाई ओनली जो अबेलियन ग्रुप होंगे ऑर्डर 8 के केवल केवल यही होंगे, ओनली दीज 3 आर द अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, हमने ये लिखा बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप की हेल्प से। देखो इसी में ये फंडामेंटल थ्योरम लिखा है, इसी को मैं कॉम्पैक्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे नोट में, और इजीली आ जाएगा इसका स्टेटमेंट समझ में आपको। देखो वी नो एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, ये तो हमें पता ही है। अब वो कहता है फंडामेंटल थ्योरम कहता है एवरी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, सो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो देखो एवरी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड के आई ओवर द आई, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड के आई, इट मीन्स जेड के वन क्रॉस जेड के टू क्रॉस एंड सो ऑन जेड के एन टाइप का होगा इसमें, ठीक है, सो वेयर दिस के आई इज इक्वल टू पी आई एन आई, वेयर पी आई इज ऑफकोर्स पी आई इज प्राइम, ठीक है, तो जो भी जी होगा वो कैसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जेड के आई टाइप का, सो दैट इज, तो जो भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप जी होगा वो कैसा होगा, जेड पी वन एन वन जेड पी टू एन टू एंड शो ऑन टाइप का, ठीक है, इस टाइप का होगा, जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये जेड टू टू दी पावर 3 टाइप का है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अबेलियन साइक्लिक, ये फर्स्ट से, ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट क्या कहोगे, ये सिंगल ही है, तो ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो ऑलवेज अबेलियन होता है, साइक्लिक इंप्लाई अबेलियन, सो दिस इज अबेलियन, एक तो केस यहां से बनेगा, बाकी प्रोडक्ट से हम यहां से निकालेंगे। अब ये देखो
ये जो होगा जेड फोर क्रॉस जेड टू जो होगा कैसा होगा, जेड फोर क्रॉस जेड टू जो होगा वो कैसा होगा, जेड टू स्क्वायर क्रॉस जेड टू टाइप का होगा, यानी टू स्क्वायर टू, और ये क्या होगा जेड टू क्रॉस जेड टू क्रॉस जेड टू, जेड टू की पावर वन है, वन है, वन है, ठीक है। तो एन वन एन टू जो होंगे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बट पी वन पी टू जो होंगे वो ऑलवेज प्राइम होंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइम सिंगल प्राइम पावर आया, यहाँ पे भी सिंगल प्राइम पावर है, यहाँ पे भी फोर है तो सिंगल प्राइम पावर है, ओनली यहाँ पे टू है तो सिंगल प्राइम है। हम देखेंगे इसमें आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ द अबेलियन ग्रुप। सपोज सपोज मेरे पास है ग्रुप ऑफ ऑर्डर एट, ग्रुप ऑफ ऑर्डर एट है और वो अबेलियन है, तो आपसे पूछ सकता है या पूछता है वो कि भाई नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने होंगे ऑर्डर एट के। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एट विच आर अबेलियन बट नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर आर थ्री, तीनों डिस्टिंक्ट है ना, तीनों डिस्टिंक्ट का सेंस ऑफ एल्जेब्रा में भाई जो आइसोमॉर्फिक नहीं है वही होता है नॉन आइसोमॉर्फिक थिंग्स। तो अब जब क्लास की बात आती है तो ऑफ कोर्स जब हम आइसोमॉर्फिज्म क्लास डिफाइन करते हैं या कोई भी हम क्लास डिफाइन करते हैं सेट में ऑफ कोर्स रियल एनालिसिस, तो उसमें क्या होता है कि हम पहले रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं और वो रिलेशन होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो फंडामेंटल थियरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि भाई अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इट विल पार्टीशन, ये पार्टीशन करता है। अब पार्टीशन करता है तो पार्टीशन के लिए हम डिफाइन करते हैं क्लास ऑफ द एलिमेंट, है ना, क्लास ऑफ द एलिमेंट। तो अब यहाँ पे भी जो रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म होता है वो एन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म जैसे ही इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ सो वी कैन डिफाइन ए क्लास फॉर डूइंग पार्टीशन। तो हमने क्लास डिफाइन कर दी है, तो हमने क्लास ऑफ सपोज जेड एट टाइप के लिए यानी साइक्लिक ग्रुप टाइप के क्लास ऑफ ये बना लिए, क्लास ऑफ ये बना लिए। तो जब भी साइक्लिक ग्रुप ऑफ एडर एट का आएगा वो ऑलवेज किस में जाएगा, क्लास ऑफ जेड एट में जाएगा। जब भी अबेलियन ग्रुप हैविंग द थ्री एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू टाइप का आएगा वो ऑलवेज क्लास ऑफ जेड फोर क्रॉस जेड टू में जाएगा। जैसे ही ऐसा कोई ग्रुप आएगा ऑर्डर एट का जिसमें ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आर ऑफ ऑर्डर टू तो वो ऑलवेज क्लास ऑफ जेड टू क्रॉस जेड टू क्रॉस जेड टू में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्लास आ जाएंगे और जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास होंगे, जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एट होंगे, यानी नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एट, सिंपली वो हम करेंगे कल।